दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हीरालाल जाट। आज कंप्यूटर नॉलेज फॉर बिगनर की श्रृंखला के तहत एक नया वीडियो आपके सामने आ रहा है। आपके कंप्यूटर पीसी या लैपटॉप की जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उनसे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचने वाला है, जिसके अंदर आप देखेंगे आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर आपका कौन सा सिस्टम प्रोसेसर है, या फिर रैम कितनी है, या फिर ऑपरेटिंग जो सिस्टम फाइल है बिट्स वो क्या है, इसकी प्रोड्यूस आईडी क्या है, इसकी हार्ड डिस्क कितनी है, फाइल सिस्टम क्या है, इसके ड्राइव्स कितने हैं, ये सब एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है पीसी की, कंप्यूटर की। उसके बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए कि आपका प्रोसेसर कैसा है, ये कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक जानकारी से संबंध रखता है, और ये जानकारी प्रत्येक यूजर्स को मालूम होनी चाहिए कि जो वो कंप्यूटर यूज कर रहा है वो कैसा है। कंप्यूटर ये नहीं है कि जो बाहर से आपका सीपीयू का केबिन दिखाई दे रहा है या आपके सामने जो मॉनिटर स्क्रीन दिखाई दे रहा है वही कंप्यूटर है। ये तो सिर्फ एक बाहरी आवरण है, इसके अंदर कितना मसाला है वो चेक करिए कि आपका कंप्यूटर कितने हाई वर्जन का है। अगर आपके कंप्यूटर का वर्जन अपर है, या उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो हाई है, या इसके अंदर रैम, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और इसकी हार्ड डिस्क अगर हाई है, तो ये आपका वर्क भी हाई ही करेगा। आप जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो बाहर का कलर देख के मत खरीदिएगा, क्योंकि आज का जो टाइम है वो लोग 5 रुपए की जो कुरकुरे की थैली होती है उसके अंदर 1 रुपए का कुरकुरा और 4 रुपए के उसके अंदर हवा भरकर बेच देते हैं। तो हमें इसके अंदर क्या है वो सब जानना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे, साथ ही इसको अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि अपने सभी साथी इस नवीन अपडेट्स और नवीन जानकारी से रूबरू हो सके। सबसे पहला काम तो एक आपको मैं बता देता हूं कि आप जब भी अपना पीसी लैपटॉप स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने जो डेस्कटॉप ओपन होता है उसके अंदर इतनी सारी फाइलें आपको दिखाई देती हैं, ये गलत है। इतनी फाइलें बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी फाइल है वो सी ड्राइव के अंदर जाती है। डेस्कटॉप के ऊपर जो भी फाइल है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब सी ड्राइव के अंदर सेव रहती हैं, और आपको पता होना चाहिए कि सी ड्राइव है, इसके अंदर ही इसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर पूरा कंट्रोल रहता है। इसलिए ज़्यादातर ये फाइल्स आपकी सी ड्राइव के अंदर न होकर आपके पास जो दूसरे डी और ई ड्राइव है उसके अंदर इसको डाल दीजिए। तो ये इस केवल आपको बताने के लिए कि इस प्रकार आप भी रखते होंगे, ये इस प्रकार से आपके सामने फाइल्स नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप एक अलग से फोल्डर बना दो। फोल्डर बनाने का तरीका, आप अपने माउस से जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा न्यू, न्यू पर क्लिक करोगे तो ऊपर ही फोल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर आपके लिए यहाँ क्रिएट हो चुका है। इस फोल्डर का कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि भविष्य के अंदर आप कोई भी फाइल ढूंढे तो आपको मालूम है कि आपने किस फोल्डर के अंदर डाला है। मान लीजिए आप डेट के अकॉर्डिंग फाइल बना रहे हैं, तो आज की जो भी डेट है वो डेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और उस डेट के अकॉर्डिंग हमें मालूम रहेगा कि उस डेट को हमने इस चीज़ के अंदर डाला है, या फिर आप कोई नाम भी दे सकते हैं। और फिर आप ये जितने भी आपको फाइल्स नज़र आ रही हैं वो सभी फाइल्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ऐसे आप डालोगे तो ये चली जाएगी, जैसे मैं आपको सामने बता रहा हूँ कि एक साथ ऐसे फाइल इसके अंदर डालोगे तो ये आपका जो डेस्कटॉप है वो क्लियर होता जाएगा। ये क्लियर हो रहा है आपके सामने, इतनी फाइल्स आपको यहाँ पर रखनी नहीं है, चाहे वर्ड की हो, चाहे एक्सेल की हो, चाहे पीडीएफ की हो। इसको आप इस फोल्डर के अंदर लेके ये फोल्डर फिर डी या ई ड्राइव के अंदर सेंड कर दीजिए। इस प्रकार मैंने आपके सामने ये डेस्कटॉप क्लियर कर दिया है। कुछ यहाँ पर एप्स और सॉफ्टवेयर हैं, उनके लिंक या उनके शॉर्टकट हैं वही आपको नज़र आते होंगे। बाकी जितने भी आपको अनवांटेड जो यहाँ फाइल्स थी, उन सब फाइल्स को मैंने एक फोल्डर के अंदर डाल के उसको अलग ड्राइव के अंदर ले गया, ताकि सी ड्राइव के अंदर ज़्यादा स्टोरेज न हो। अगर आपके कंप्यूटर का सी ड्राइव अगर खाली रहेगा तो आपके कंप्यूटर के रन करने की गति फास्ट रहेगी। अब चलते हैं जो कंप्यूटर का मेन ऑप्शन है, माई कंप्यूटर।
या दिस पिक जो भी नाम दिया आपने वो रहेगा। ये है माई कंप्यूटर, इसके अंदर सारे फोल्डर्स हैं, डेस्कटॉप यहाँ से कंट्रोल रहता है, डॉक्यूमेंट्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो इसके अंदर रहेंगे, डाउनलोड्स जो भी आप नेट से या अन्यत्र से डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड सेक्शन के अंदर आएंगे, कोई भी म्यूजिक फाइल होगी वो म्यूजिक के अंदर चली जाएगी, जो पिक्चर्स हैं वो पिक्चर्स के अंदर इस फोल्डर के अंदर आएगी, साथ ही आपने कोई वीडियो डाउनलोड किया है तो वो सारे वीडियो इस वीडियो के फाइल के अंदर आ जाएंगे। ये ऊपर वाला सेक्शन तो था फोल्डर्स का, और जितने फोल्डर हैं उसकी संख्या यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर हमारे 6 फोल्डर हैं तो ये संख्या 6 यानी 6 दिखा रहे हैं। और नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है डिवाइस एंड ड्राइव, इसके अंदर जितने डिवाइस एंड ड्राइव लगे हुए हैं वो सब यहाँ नीचे शो करेंगे, और यहाँ पर अभी 5 हैं तो यहाँ पर 5 संख्या शो करेगा। जैसे ये लोकल डिस्क सी लिखा है जिसके अंदर पूरे कंप्यूटर का जो भी सिस्टम है, जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, जो भी रन करते हैं ये सब लोकल डिस्क सी के अंदर करता है, इसलिए आपको कहा गया है कि लोकल डिस्क सी को आप ज़्यादा से ज़्यादा खाली, अगर लोकल डिस्क ड्राइव अगर ज़्यादा फिल रहता है तो कंप्यूटर आपका वर्क करते समय बार बार हैग होता है, ये समस्या बनी रहती है, तो आपको बार बार प्रेस वगैरह करना पड़ता है, वो समस्या नहीं रहेगी। आप लोकल डिस्क ड्राइव को खाली रखें, आपके कंप्यूटर में जो भी आप कोई डाउनलोड कर रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो, डाल रहे हो, वो सब आप डी या ई या एफ या जो भी आपके ड्राइव जितने बनाए हुए हैं, 2 है 3 है जितने भी, उसके अंदर रखें। ये जो नीचे वाला लिखा है ये आपके DVD राइटर है, ये DVD ड्राइव वाला है ऑप्शन, अगर आप यहाँ पर USB या कोई पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो तो वो अलग यहाँ से शो कर देगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको, ये साइट के अंदर एक लिस्ट खुल रखी है जिसके अंदर माई कंप्यूटर के अंदर क्या क्या है वो सब दे रखा है, डेस्कटॉप इसके अंदर आएगा, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, आपका जो कंप्यूटर है जिसका नाम श्री दे रखा है, आपने अगर कोई और दे रखा है तो वो, इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर के अंदर रन कर रही है तो वो यहाँ शो करेगी, उसके अलावा कोई ड्राइव है तो वो यहाँ बताएगा, आपका जो भी डाउनलोड सेक्शन है वो यहाँ बता रहा है, उसके अलावा या ड्राइव्स नीचे दिखा रहा है जैसे लोकल डिस्क सी, ये जो यहाँ भी दिखा रहा है, और यहाँ पर भी ये पूरे ऑप्शन इसके खुल रहे हैं, तो ये एक तरफ लिस्ट खुल रही है, एक तरफ ये आइकन के रूप में आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेंगे आपको ऊपर की तरफ, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़, आप अपने कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी इसका सिस्टम है, सब आपको यहाँ पर बता देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये एक ऑप्शन आपके सामने क्लिक हो गया, ये कौन सा विंडो है, जैसे विंडो 10 है तो ये बता दिया, विंडो 10 इंटरप्राइज 2016 LTVSB लिखा है, और इसका जो कॉपीराइट एक्ट है 2016 का वो सब यहाँ पर लिखा हुआ मेंशन हो जाएगा। ये तो हो गया आपका विंडोज एडिशन, उसके बाद में आएगा आपका सिस्टम। अब सिस्टम के अंदर सबसे पहले है प्रोसेसर, आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या है वो बता दिया कि ये कोर वाला है, और i3, ये i3 जनरेशन का है कंप्यूटर, ये इसमें शो कर देगा, और CPU की जो गीगाहर्ट्ज़ वर्जन है वो कितना है 3.50, ये आपके CPU की गीगाहर्ट्ज़ बता रहा है। उसके बाद का ऑप्शन है इंस्टॉल मेमोरी, इसको रैम बोलते हैं, ये कितने GB का है, ये 4 GB का है, तो ये बताएगा इसके अंदर कितने यूजेबल है, यानी 3.9, जो कि अपन पूरा इसका 4 GB कभी यूज नहीं कर सकते हैं, इसका कुछ ऑप्शन इसका जो प्रोसेसर चलता है उसके लिए ये पहले ही रोक लेता है, बाकी का अपन के लिए यूजेबल होता है, वह बताया इसने 3.90 और ये 4 GB रैम का है। नीचे दे रखा है सिस्टम टाइप्स, अब इसका सिस्टम टाइप्स क्या है वो है 64 bits ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस दो प्रकार के सिस्टम, एक तो 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा और ये है 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके ऊपर तो एक पूरा वीडियो बनता है, देखेंगे बाद में इसको पूरा एक वीडियो बताएंगे किस प्रकार 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है और किस प्रकार 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, ये इसका बेस्ट प्रोसेसर है। उसके बाद पेन एंड टच, ये नो पेन और टच है, कई सिस्टम के अंदर पेन से टच करके भी अपन चला सकते हैं, लेकिन इसके जो डिस्प्ले हैं उसके अंदर अपन किसी प्रकार के पेन से टच करके इनपुट नहीं कर सकते, ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अगला जो ऑप्शन है वो है कंप्यूटर्स नेम, डोमेन एंड वर्क ग्रुप सेटिंग्स। अब ये क्या है,
जैसे कंप्यूटर का नेम यहाँ पर डेस्कटॉप के H92 लिखा है, फुल कंप्यूटर नेम अभी मैंने कोई नाम दिया नहीं इसलिए डेस्कटॉप लिखा हुआ है। आप यहाँ नाम चेंज करना चाहते हो तो पीछे चेंज सेटिंग्स लिखा है, इसके अंदर आप नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ से आप कंप्यूटर का नेम वगैरह चेंज कर सकते हो। ये नाम हट जाएगा, यहाँ आप नाम दे देना। अब नीचे वाला है विंडो एक्टिवेशन, अब ये कब विंडो एक्टिवेशन हुई है और इसका प्रोडक्ट की क्या है वो सब यहाँ दे रखा है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर के अंदर जितने भी डिवाइस हैं वो यहाँ से मैनेज हो रहे हैं, वो सब यहाँ आपको लिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा नीचे है रिमोट सेटिंग, आप इसकी रिमोट की सेटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, जिसकी पूरी सेटिंग के लिए अलग से वीडियो बनता है। उसके अलावा सिस्टम प्रोटेक्शन, आपका जो भी सिस्टम है उसको किस प्रकार से प्रोटेक्शन कर रखा है उसका पूरा यहाँ दे रखा है। इसके अलावा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, ये सब इसके अंदर ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ये है आपका इस कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज। कई बार क्या होता है कि आप ज़्यादा वर्क करते हैं तो ये आपके जो भी ड्राइव है उस ड्राइव के अंदर कोई अलग से फाइल बन जाती हैं जो डुप्लीकेट्स फाइल कहलाती हैं, कुकीज वगैरह होते हैं, उनको अगर रिमूव करना है तो कैसे करें ताकि आपका कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट वर्क करे और ज़्यादा हैग वगैरह नहीं हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे इस पर क्लिक किया तो नीचे एक ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज़, इस प्रॉपर्टीज़ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक सामने बॉक्स खुलेगा, इस पर ये लिखा है डिस्क क्लीनअप, यहाँ से आप अपनी डिस्क को क्लीनअप कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे क्लीनअप पर जाएंगे और ये जैसे इसके अंदर कोई भी ऐसी फाइल्स हैं जो कुकीज़ बनी हुई है तो ये यहाँ से हटा देगा। ये इस प्रकार से आपके लगभग 163 MB डाटा है वो इसने रिमूव कर दिया है और आपकी फाइल्स को ये कहेगा डिलीट कर दे क्या, तो परमानेंटली इसने यहाँ से डिलीट भी कर दिया। इस प्रकार अपने ड्राइव्स के अंदर कोई कुकीज़ बनी हुई है, कोई अलग से डुप्लीकेट्स फाइल बनी हुई है या कुछ कचरा पड़ा है डमीज़, तो उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं और अपने डिस्क को क्लीन अप कर सकते हैं। ये सिस्टम मैंने बता ही दिया, ऐसे आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे और जाएंगे तो यहाँ पर डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन होगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी कुकीज़ होगी वो इस प्रकार से सिस्टम फाइल को रिमूव, टेम्प्रेरी जितनी भी फाइलें बनती हैं वो यहाँ से हट जाती हैं, अंत में आप ओके कर दीजिए और वो फाइल्स यहाँ से हट जाएगी। इंपॉर्टेंट फाइल है वो नहीं जाती है क्लीनअप करते समय, ये वो तो अपन कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तब वो फाइल्स जाती है, डिस्क क्लीनअप करने पर कोई भी आपके कंप्यूटर की फाइल नहीं जाती है, डुप्लीकेट्स फाइल या कुकीज बनी हुई है तो वो हटती है। अगर आप कोई कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं और जो आप आइटम्स खरीद रहे हैं उसकी कितनी मेमोरी है, कितना उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितना उसका प्रोसेसर है, कितना रैम रोम और उसका टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का बिट कितना है, उसका जो प्रोसेसर है वो क्या है, उसकी हार्ड डिस्क कितनी है, उसमें फाइल सिस्टम क्या है, उसके ड्राइव्स पे देखना है या फिर उसकी रैम और रोम चेक करनी है, ये सब अगर आपको जानना है कुछ जानकारी तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ में मिल जाएगी, और संपूर्ण आपको जानकारी देखनी है तो मैं जैसे आपको बताऊं वैसे आपको करना है। आपको यहाँ जहाँ सर्च विंडो लिखा है इस पर जाएंगे और आपको केवल मात्र 3 वर्ड टाइप करने हैं, CMD। जैसे CMD टाइप करोगे तो यहाँ आएगा कमांड प्रॉम्प्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक बूट ऑपरेटिंग सिस्टम खुल जाएगा। बाकी इंफॉर्मेशन है उसको आपको कहीं पर भी कुछ नहीं छेड़ना है, जहां ये आपका कर्सर चल रहा है आपको केवल मात्र यह लिखना है सिस्टम इंफॉर्मेशन, या लिख सकते हो SYSTEM और उसके बाद लिख दो इन्फॉर्मेशन INFO इन्फो कर दो, उसके बाद आप इसको एंटर दे दीजिए। जैसे ही आप एंटर देंगे प्रोसेस होने के बाद ये आपका संपूर्ण जितना प्रोसेसर है वो आपके सामने आ चुका है, इसके अंदर प्रत्येक चीज़ बता दी कि इसका नाम क्या है डेस्कटॉप का ये बता दिया, इसका विंडो क्या है इसने विंडो भी बता दिया, अब ये कब बिल्ड हुआ वो बता दिया, इसका रजिस्ट्रेशन ऑनर कौन है विंडो यूज़र ये सब इसने बता दिया है, इसकी जो प्रोडक्ट आईडी है वो प्रोडक्ट आईडी इसने बता दी, इसका जो ओरिजिनल इंस्टॉल डेट है वो कब की है, जैसे 15 सितंबर 2020 को 2:36 पर ये मेरा इंस्टॉल हो रखा है वो बता दिया, और सिस्टम का मैन्युफैक्चरर्स ये है गीगाबाइट्स टेक्नोलॉजी ये पूरा बता दिया, इसके अंदर हर चीज़ आपको मिलेगी, इसके अंदर एक प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है वो बता दिया, इसके अलावा इसकी जो भी सेटिंग्स हैं वो इसके अंदर सब
बिट्स के वर्जन के अंदर आ गई। विंडोज डिक्शनरी के अंदर पूरा सिस्टम इसने बता रखा है। इसके अलावा इसकी टोटल फिजिकल मेमोरी जिसको रैम बोलते हैं वो इसने बता दी। अभी तक इसके अंदर अवेलेबल फिजिकल मेमोरी अभी कितनी सेंस है वो इसने बता दी। इसके अलावा इसकी वर्चुअल मेमोरी जो MB के अंदर है वो इसने और अब तक वर्चुअल मेमोरी जो यूज की गई है वो कितनी है वो यहाँ बता दी। अब पेज फाइल लोकेशन कहाँ है वो भी सिस्टम इसके अंदर बताया हुआ है। नेटवर्क से रिलेटेड जानकारी वगैरह यहाँ पर सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आप कोई कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो उसका कलर या डिजाइन या बाहर का आवरण देख के आपको नहीं खरीदना है। उसके अंदर उसका क्या प्रोसीजर है वो क्या है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, उसका क्या रैम और रोम है, कितनी उसकी हार्ड डिस्क है वो सब जानना है। उसके बाद उसकी रेट तय होती है। ऐसा नहीं कि आप कलर देख के उसको ले लिया। फिर आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि मैंने 15,000 का कंप्यूटर लिया है और कोई कह रहा मैं 30,000 का लिया, कोई कह रहा मैं 50,000। ये सब रेट से नहीं तोला जाता, इसके अंदर जो प्रोसेसर होता है उसको देख के फिर खरीदिएगा। अगर आप कोई सिस्टम खरीदने जा रहे हैं तो कभी ये मत कहिएगा कि मुझे 15,000 का कंप्यूटर चाहिए या 20,000 का या 40,000 का कंप्यूटर चाहिए। आपको कहना है कि मेरे को इस प्रोसेसर का, इस रैम रोम का, इस हार्ड डिस्क का, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का और इस ड्राइव्स का मुझे कंप्यूटर चाहिए, तो वो उस अकॉर्डिंग आपको रेट ऑटोमेटिक बता देगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले समय में आप कभी भी अपना लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं तो कभी भी आप धोखे में नहीं रहेंगे। ये जानकारी आपको कैसे लगी है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। हम अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।